Hey guys, this is Shashank and welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely good. So, मैं आया हूँ Queen of Hill Station ऊटी में, जिसको उदगम मंडलम बोला जाता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था. शी इज़ चार्मिंग, शी इज़ क्लासी, शी इज़ यूनिक, शी इज़ द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन इन इंडिया. उदगम मंडलम, स्वागत है आपका इस वीडियो में. इस वीडियो में आप लोगों को मैं 3 दिन की कंप्लीट आइटिनरी बताने वाला हूँ, जिसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, फिर आप लोग यहाँ पर क्या अकोमोडेशन ले सकते हैं बजट में, लग्जरी में. मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस आपको बताने वाला हूँ, फिर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग लोकली यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं, क्या ऑटो टू व्हीलर अवेलेबल है कि नहीं है, फिर आप लोगों को फूड ऑप्शन मार्केट ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ खा रहे हैं, क्या आप शॉप कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छा टाइम क्या है यहाँ पर आने के लिए, टेम्परेचर क्या रहता है, फिर यहाँ पर लोकल लोगों का कैसा बिहेवियर है, लोकल लोग हिंदी समझते हैं कि नहीं समझते, वो भी मैं बताने वाला हूँ. फिर आप लोगों को मैं नेटवर्क के बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पर बेस्ट आता है. फिर आप लोगों को मैं बजट शीट भी देने वाला हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो, कि आप लोग कैसे बजट में इसको ट्रैवल कर सकते हैं, मेरा कितना खर्चा हुआ, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. और आपको आइटनरी भी देने वाला हूँ विद मैप एंड ऑल एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और 3 दिन की आइटनरी मेरे साथ जरूर एंजॉय करिए. सो गाइज, हम लोगों ने होटल लेकव्यू लिया है ऊटी में और हम लोग ऊटी पहुंच गए. तो जो होटल है हमारा वो जस्ट ऊटी लेक के बाजू में. तो आइए मैं आप लोगों को रूम टूर कराता हूँ. एक काउच है, आप लोग यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं. यहाँ पर दो सोफे हैं, यहाँ पर एक टेबल है छोटा सा. फिर अगर आप लोगों को बॉनफायर करना है, यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल बना हुआ है. यहाँ पर पानी का बॉटल्स है. फिर आप लोग अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा कोजी सा रूम है, बहुत बढ़िया सा. आप लोग अंदर देखेंगे तो ये एक क्वीन साइज बेड है. आप लोग ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं. फिर अगर आप लोग एक यहाँ पर एक कवर्ड दिया हुआ है, तो वॉशरूम भी काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा वॉशरूम है. तो गाइज, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए अधियार आनंदा भवन, ए टू बी को बोला जाता है. बैंगलोर में मैंने आप लोगों को दिखाया था, काफ़ी फेमस है यहाँ पर. इसकी चेन है, बैंगलोर में भी है, यहाँ पर भी है और भी काफ़ी जगह है. हम लोगों ने पहले तो बड़ा मंगवाया है, बाकी मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि बड़ा कैसा है. फ्रेश है और गर्म है, बिल्कुल क्रिस्पी है. सांभर नहीं दिया, सांभर नहीं देते, चटनी के साथ ही देते हैं. तो यहाँ पर एक रेड चटनी है और एक वाइट चटनी है, बहुत क्रिस्पी है चटनी के साथ. अच्छा है, बाकी खाना तो अच्छा है ही, सब लोग जानते हैं, ए टू बी बोलते हैं इसको. सो गाइज, जान लेते हैं कि आप लोग ऊटी कैसे पहुंच सकते हैं. तो आप लोग ऊटी जो है वो 3 तरीके से आ सकते हैं. सबसे पहले आप लोग बाय रोड आ सकते हैं, फिर बाय फ्लाइट आ सकते हैं और ट्रेन भी आ सकते हैं. तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, कोयम्बटूर से KSRTC की बस चलती है, जो कुछ 650 रुपये लेती है, आपको ऊटी छोड़ देती है. 450 रुपये लगते हैं अगर मैसूर से आ रहे हैं तो. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोयम्बतूर आइए, क्योंकि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोयम्बतूर है. सबसे नियरेस्ट जो है वो मेट्टुपट्टनम करके रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप लोगों को टॉय ट्रेन मिलेगी ऊटी के लिए. 4 से 5 घंटे लगते हैं, बहुत ही अमेजिंग सफ़र है. बाकी अगर आप लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट से आप कोयम्बतूर आइए, नियरेस्ट एयरपोर्ट भी कोयम्बतूर है. बैंगलोर से भी आ सकते हैं, बैंगलोर से 250 किलोमीटर पड़ता है, मगर नियरेस्ट जो है वो कोयम्बतूर है. तो गाइस, बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की. तो आप लोग यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑटो भी ले सकते हैं, टू व्हीलर भी कहीं जगह अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. और आप लोग यहाँ पर टैक्सी भी ले सकते हैं. तो ऑटो से अगर आप लोग घूमेंगे यहाँ पर तो 1200 से 1500 रुपये पर डे लेगा, और अगर आप लोग टैक्सी हायर करेंगे फॉर अ डे तो 2 से 2500 रुपये लेगा. मेरे पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी रहेगा मेरे पास. अभी हमारा पहला लोकेशन जो है वो नीलगिरी फॉरेस्ट आए हैं हम लोग. ये आप लोग देख रहे होंगे सारे यूकेलिप्टस के प्लांट हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं. और मेरे हिसाब से अगर आप लोग ऊटी आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए. तो हमारा पहला डेस्टिनेशन पहले दिन का आइटिनरी में नीलगिरी की खुशबू अलग ही आ रही है. नीलगिरी माउंटेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये माउंटेन में पूरे नीले कलर के दिखते हैं, इसलिए इसको नीलगिरी माउंटेन्स बोला जाता है. सो गाइज, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो नीडल रॉक व्यू पॉइंट है. हम लोग नीलगिरी में ही है अभी और ये यहीं पर है.
स्टेप्स हैं जो आपको उतरने पड़ेंगे और ऊपर जाना पड़ेगा। एक ऊपर व्यू पॉइंट है मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ये पूरा जो है ना ये नीलगिरी का फॉरेस्ट है, यहाँ सारे नीलगिरी के प्लांट्स हैं, सारे ऊँचे ऊँचे। और हम लोग अभी नीडल पॉइंट पे खड़े हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये। और यहाँ पर 20 रुपये की टिकट लगती है आने के लिए अंदर, और सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चालू रहता है। थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा आपको ऊपर, ऊपर एक और पॉइंट है, बाकी व्यू यही है, आपको व्यू यही देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके। स्वागत है आपका दूसरी लोकेशन पे। हम लोग पायकारा वाटरफॉल आए हैं अभी, और मेन रोड से कुछ आधा किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो पायकारा जो लेक है यहाँ से 2 किलोमीटर है, आपको से आगे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे आप लोग यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग पायकारा लेक पहुँच गए हैं, यहाँ पायकारा वाटरफॉल भी है, तो हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस मंगवाया है, यहीं पर एक होटल है, रीजनेबल है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं, 80 रुपये का राइस है, मैगी भी है, तो आप लोग यहाँ पर खा सकते हैं अगर आप लोगों को लंच करना है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं पायकारा वाटरफॉल। सामने जो है ये बैटरी कार है, ये आप लोगों को ऊपर से नीचे यहाँ तक लाएगी, पर यहाँ से आप लोगों को खुद ही नीचे जाना पड़ेगा, 50 स्टेप नीचे आपको चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप ये ले सकते हैं, इसका चार्ज 20 रुपये है पर पर्सन। सो गाइस मेरे पीछे आप लोग देखिए, ये है पायकारा वाटरफॉल, और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, छोटा सा वाटरफॉल है। यहाँ पर जो बेसिकली एंट्री टिकट है वो 30 रुपये है पर पर्सन। नीचे आप लोगों को थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो सीनियर सिटीजन भी जा सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा उन लोगों को ऊपर नीचे करने में, मगर बहुत अच्छा है नीचे, बहुत ही सुकून है, बिल्कुल नेचर के बीच में वाटर फ्लो हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं। सो गाइस स्वागत है आपका नेक्स्ट लोकेशन में। मैं आया हूँ वैन लॉक डाउन्स नेचर स्टेल, एक शूटिंग पॉइंट है। ये शूटिंग पॉइंट बेसिकली इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, लाइक राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दीवाना। अभी मैं इसकी टिकट के बारे में बता देता हूँ, तो पर एडल्ट की इसकी टिकट 30 रुपये है, ऊटी से 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही बड़ा है यहाँ। तो इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से चालू होता है और 6:45 तक बंद हो जाता है। गाइस यहाँ से आप लोगों को टिकट मिलेगी, और आप ये देखिए यहाँ से इतना खूबसूरत है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, और अगर आप लोग ये अपोजिट, इसके अपोजिट देखेंगे ना, यहाँ पर गाइड दिख जाएंगे आपको खड़े हुए, यहाँ पर घोड़े भी हैं, तो गाइड जो है वो 200 रुपये से स्टार्टिंग है घोड़े के साथ, मतलब आपको हाफ ग्राउंड घुमा के लाएंगे, फुल ग्राउंड के लिए 400 रुपये वैसा टाइप का चार्ज है। अगर आप लोगों को अच्छी और लोकेशन देखनी है ऐसा उनका बोलना है तो 1500 रुपये, मगर मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है, आप लोग यहाँ से टिकट लीजिए और खुद पैदल जाइए ऊपर तक, और वहाँ से खुद ही आप नज़ारे का लुफ्त उठाइए। तो गाइस ऐसा कुछ दिखता है शूटिंग पॉइंट ऊपर से, देखिए हम लोग कितने ऊपर आ गए चढ़ के, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, आप अगर सामने देखेंगे ना तो ये सारे पाइन ट्रीज हैं। स्वागत है आपका, हम लोग पाइन फॉरेस्ट आए हैं अभी, क्योंकि इसकी जो टिकट है वो 30 रुपये की है पर एडल्ट, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक चालू रहता है, और काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग मेरे पीछे पूरे पाइन ट्रीज देख रहे होंगे, अगर मैं आप लोगों को पाइन ट्री के बारे में बता देता हूँ तो इसकी जो लाइफ है वो 100 साल की मानी जाती है अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो, और इसकी जो हाइट है वो 4 फीट से 150 फीट तक वेरी करती है। इसकी जो नीडल्स देख रहे होंगे आप, वो जो है वो 1 इंच से 11 इंच तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 फीट तक रहती है, और ऐसा बोला जाता है कि ये एवरग्रीन रहता है। एवरग्रीन इसलिए रहता है क्योंकि इसमें इसकी जो नीडल्स हैं वो 2 साल तक रहती हैं, और 2 साल के बाद एकदम से जब ये झड़ने लगती हैं तो दूसरी नीडल्स आती हैं, इसलिए इसको एवरग्रीन प्लांट बोला जाता है। और इसकी 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं लगभग, और बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पीछे जो है, मैं यहाँ नीचे से आपको लेक भी दिखाने वाला हूँ, और आप लोग ज़रूर आइए, ये ऊटी से कुछ 6 से 7 किलोमीटर पड़ जाता है। सो गाइज़ अब अभी मैं एक 5 से 10 मिनट मैंने वॉक किया, तो मैंने देखा एक ब्यूटीफुल लेक, तो पाइन ट्री के पास एक ब्यूटीफुल लेक आपको देखने मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ थोड़ा आप ध्यान रख के आइए क्योंकि स्लिपरी है ये, और अभी बारिश हुई है तो थोड़ा पैर आप लोग ध्यान रखिए उसका, स्पोर्ट्स शूज़ हो सके तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइए। बाकी बहुत ही खूबसूरत लेक है, और यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह है, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, हालांकि पानी में नहीं जा सकते मगर फिर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो आप लोग ज़रूर आइए ये पॉइंट।
गाइज अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आए हैं, तो यहाँ पर एक चॉकलेट फैक्ट्री है, हम लोग आपको अंदर से दिखाते हैं कि कैसी है। यहाँ पर आप अपनी खुद भी चॉकलेट बना सकते हैं, उसका 50 रुपये का टिकट है, आपको अंदर लेके जाएंगे और आपको गाइड करेंगे, बताएंगे चॉकलेट की हिस्ट्री सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा, अंदर आइए। टूर हो गया काफ़ी अच्छा था, अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोगों को पता लगी चॉकलेट्स के बारे में कि कब कैसा इन्वेंशन हुआ, कैसे बनाया जाता है चॉकलेट। 200 टाइप की डिफरेंट डार्क चॉकलेट्स बनाई थी, तो इनको ये रिकॉर्ड दिया गया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है। काफ़ी बढ़िया है, अगर आप लोग आ रहे हैं ऊटी तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज डे टू। आज हम लोग जा रहे हैं कुछ अलग जगह एक्सप्लोर करने। सो गाइस, अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग बजट ऑप्शन देख रहे हैं तो आप लोग सिटी में लीजिए, बस स्टैंड के पास को 1000 से 1500 रुपये पर डे में मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा लग्जरी होटल देख रहे हैं तो हमारा होटल काफ़ी अच्छा है, लेक व्यू, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं, एक ताज की प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका बोटैनिकल गार्डन में। हमारा दूसरे दिन का पहला प्लेस यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो बोटैनिकल गार्डन जो है वो 3 किलोमीटर पड़ जाता है बस स्टैंड से और 4 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से। ये जो बोटैनिकल गार्डन है जो वो लार्जेस्ट है इंडिया का, और इसमें 650 के अराउंड स्पीशीज़ हैं फ्लोरा एंड फौना के। और इसकी जो टिकट है वो 50 रुपये की है अडल्ट की, बाकी बच्चों की टिकट 10 साल से नीचे है वो 30 रुपये की टिकट है। कुछ 22 एकड़ में ये फैला हुआ है, तो अंदर चलते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में और देखते हैं इसकी खूबसूरती। आइए मेरे साथ। मेरे पीछे आप फ्लावर्स देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग है। बेसिकली यहाँ पर 27 लाख लोग आते हैं एवरेज एनुअली, और ये 1848 में इस्टेब्लिश किया गया था, विलियम करके एक थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और काफ़ी खूबसूरत है ये गार्डन, आपको दुनिया भर के फ्लोरा एंड फौना दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बनाया इसलिए गया था कि फ्लोरा एंड फौना का स्टडी किया जाए। और मेरे पीछे आप फ्लावर्स देख रहे होंगे, काफ़ी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, लाइक पिंक डेजी है, और बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया गया है, क्योंकि 50 रुपये की टिकट है, 50 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, वर्थ इट है। और बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये, क्योंकि अच्छा खासा वॉक हो जाएगा। मेरे पीछे आप लोग देखिए, यहाँ पर है रुद्राक्ष का ट्री, और मैंने तो पहली बार लाइफ में रुद्राक्ष का पेड़ देखा है। अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि इसके फ्रूट्स आते हैं कि फ्लावर्स आते हैं, कैसे रुद्राक्ष मिलता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी हो ना तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। इस मेरे पीछे आप लोग फॉसिल ट्री का एक ट्रंक देख रहे होंगे, ये ऐसा माना जाता है कि 20 मिलियन ईयर ओल्ड है, विलुपुरम करके एक तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लाया हुआ है। और आप लोग अगर इस बोटैनिकल गार्डन में आ रहे हैं तो ये ज़रूर देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि इतना पुराना पेड़ का ट्रंक यहाँ रखा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोटैनिकल गार्डन विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो मई है, यहाँ पर 2 डेज का फ्लावर एग्जीबिशन होता है। तो आप लोग अगर मई में यहाँ विजिट कर रहे हैं तो बोटैनिकल गार्डन ज़रूर विजिट करिए। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। तो गाइस, डोडा बेटा पीक में आपका स्वागत है। जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे ना मेन गेट से, तो यहाँ पर मार्केट टाइप बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं। वुलन की काफ़ी शॉप्स हैं, बच्चों के लिए शॉप्स हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं ऐसी, तो ये सब आप एक्सप्लोर करके और ये सब खरीद सकते हैं। यहाँ से आप बार्गेन भी कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा तो रीज़नेबल रेट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने की टिकट है। आइए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डोडा का जो मतलब होता है वो बिग होता है, और बेटे का मतलब जो होता है वो माउंटेन होता है। तो ये बिग माउंटेन, 24 माउंटेन्स हैं या हायर माउंटेन्स हैं नीलगिरी में, उसमें से सबसे ऊंचा माउंटेन डोडा बेटा पीक ही है, और सेकेंड हाईएस्ट है साउथ इंडिया में, पहला जो है वो मुन्नार में है आई गेस। और जो मेन बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने के लिए वो अप्रैल टू जून है और सेप्टेम्बर टू अक्टूबर है, क्योंकि पूरा क्लियर स्काई है, ऊपर टेलीस्कोप हाउस भी है, वहाँ से भी आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। इसका बेसिकली टिकट 10 रुपये है पर अडल्ट, और अगर आप लोग चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 साल से नीचे का टिकट नहीं लगेगा। बाकी इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चालू रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग इसको सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लो, 11-12 बजे। स्वागत है आपका, हम लोग बेंचमार्क टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री आए हैं। हम लोग टी फैक्ट्री विजिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसा प्रोसेस रहता है। सो यहाँ पर बेसिकली 2 फैक्ट्री हैं, एक टी फैक्ट्री है और एक चॉकलेट फैक्ट्री है। चॉकलेट फैक्ट्री इस साइड है, टी फैक्ट्री ऊपर जाना है। ऊपर आ चुके हैं, 10 रुपये एंट्री है पर पर्सन यहाँ पर। और मेरे बाजू में आप लोग देख रहे होंगे, ये है टी लीव्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर टी जो है ना, टी की लीव्स को कलेक्ट किया जाता है, एक मशीन में रखा जाता है, उसमें हॉट और कोल्ड एयर लगाई जाती है, तो उससे क्या है कि उसका जो मॉइस्चर है ना वो सूख जाता है। तो 20% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए,
फिर उसको यहाँ पर डाला जाता है, तो CTC करके एक प्रोसेस होता है, कर्ल ट्विस्ट और क्रश बोला जाता है CTC, तो उसको मशीन में डाला जाता है और वो ट्विस्ट होता है, कर्ल होता है और क्रश होता है, ये 4-5 बार प्रोसेस रिपीट किया जाता है। उसके बाद वो जाता है फर्मेंटेशन के लिए, उसको फर्मेंटेशन बहुत स्लो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के बाद उसको फिर से सुखाया जाता है 95-105 डिग्री सेल्सियस में, उसको ड्राई करके फिर उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसकी सॉर्टिंग की जाती है कि कौन सा लीफ कितना बड़ा है, उसको सॉर्ट करके उसको उस हिसाब से पैकिंग की जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये ब्लैक टी का प्रोसेस है बेसिकली, और वाइट टी, ब्लैक टी और ग्रीन टी, तीन टाइप की टी होती हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको टेस्टिंग भी मिलेगी, 2 चाय लिए हैं, एक तो ग्रीन टी है, मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छी है ग्रीन टी, और मैंने मसाला टी ली है, मसाला टी अच्छी है, काफी अच्छी, आप लोग यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक शॉप भी बनी हुई है नीचे, तो आप लोग यहाँ से टी भी खरीद सकते हैं, सारे टाइप की टीज यहाँ पर अवेलेबल है। और मिनिमम हालांकि आधा किलो का पैकेट है, आधा किलो का पैकेट मैं आपको रेट बता देता हूँ, 350 रुपए का आधा किलो का मसाला चाय का पैकेट, तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं अपने। तो गाइस अभी हम लोग लंच करने आए हुए हैं पैराडाइज होटल, ये भारत पेट्रोलियम के जस्ट बाजू में। अभी हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें मंगवाई, जैसे दम आलू मंगवाया, एक पनीर की सब्जी मंगवाई है, तो हम लोग टेस्ट करके बताते हैं आपको, मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। बटर मिल्क तो काफ़ी अच्छा है, मसाला किया है ना। पनीर अगर मैं टेस्ट करूँ तो काफ़ी सॉफ्ट है और फ्रेश है, खाना अच्छा है, मुझे अच्छा लगा खाना। सो गाइस स्वागत है आपका, हम लोग अभी रोज गार्डन आए, तो इसकी जो मेन टिकट है, टिकट कॉस्ट जो है वो 40 रुपए है अडल्ट की। इसका टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चालू रहता है। देता हूँ यहाँ पर आपको हजारों टाइप के रोजेज मिलेंगे, 3-4 हजार टाइप के रोजेज मिलेंगे, और ये जो है ये बोला जाता है कि बेस्ट इन द कंट्री है रोज गार्डन में, और बेस्ट इन द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 16वें नंबर पे आता है ये वर्ल्ड में रोज गार्डन्स में, इलीट क्लब में, और इसको अवार्ड भी दिया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से कि बेस्ट रोज गार्डन, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी तो इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, चिड़िया की चहचहाक मेरे को सुनाई दे रही है। जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो मार्च और जून माना जाता है, मई में भी थोड़ा अच्छा रहता है जब फ्लावर्स 100% ब्लूम पे रहते हैं। सो गाइस स्वागत है आपका, मैं ऊटी बोट हाउस में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि एंट्री टिकट 15 रुपये है अडल्ट की। अभी यहाँ पर 3 टाइप की बोट होती हैं, एक स्पीड बोट है, एक रो बोट है और एक पैडल बोट है, तो आप तीनों में से कोई भी बोट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो बोटिंग चार्जेस हैं वो फिक्स हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बोटिंग चार्जेस। ये आर्टिफिशियल लेक है, जब एक कलेक्टर था कोयम्बतूर का, जॉन सुविलियन करके, 1824 की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, तो माउंटेन से पानी आता था बहुत, तो उसने सोचा कि इस पानी को ब्लॉक किया जाए, इसको लेक बना दिया ब्लॉक करके पानी, और ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से आप लोगों को आसपास जो सराउंडिंग में ट्रीज दिख रहे हैं ये सारी यूकेलिप्टस ट्रीज हैं, और पूरी ग्रीनरी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं अंदर खाने पीने के भी, आप लोग खा पी भी सकते हैं यहाँ, 2-3 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस बेस्ट टाइम टू विजिट यहाँ पर जो है वो नवंबर से मई तक रहता है, जो ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, क्लियर जो वेदर रहता है वो मई जून बोला जाता है यहाँ पर, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान करिए। बाकी काफ़ी प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। हम लोग कर रहे हैं टॉय ट्रेन की जर्नी जो नीलगिरी माउंटेन्स में होने वाली है। ट्रेन के बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, तो ये बेसिकली ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था 1854 में, और 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया गया था, और बाकी खूबसूरत बहुत है। अभी हमारे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर पब्लिक नहीं है ज़्यादा, वैसे काफ़ी क्राउड रहता है जब सीज़न रहता है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जब बेसिकली ये सीज़न रहता है तो काफ़ी क्राउडेड रहता है। तो अभी अगर आप लोग इस टाइम आ रहे हैं तो आप लोग 1 महीने प्रायर बुक करिए, बाकी आप लोग थोड़ा आधे घंटे पहले आ जाइए और फोटो वोटो ले लीजिए अच्छे से चारों तरफ से। और अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है, और 9:15 का टाइम था, 9:17 पे निकली है। हमारा बेसिकली सेकंड क्लास है, ऊपर जो है ना यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग अपना लगेज रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी कम पब्लिक है यहाँ पर, तो इतना कंजेस्टेड नहीं हो रहा है, वैसे काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता होगा क्योंकि 4 लोग बैठते हैं यहाँ पर, है ना। सो गाइस हमारा सफ़र बहुत ही अमेजिंग चल रहा है, और हम लोगों को रास्ते में पाइन फॉरेस्ट और बहुत सारे अलग अलग तरीके से फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली जो नीलगिरी माउंटेन्स है वो 3 स्टेट को जोड़ता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु।
तो ये जो 46 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो बहुत ही अमेजिंग सीन है कि अगर आप लोगों को काम चाहिए, सुकून चाहिए, तो आप लोग ये जर्नी ज़रूर लीजिए, क्योंकि इतना फ्रेश एयर है ना 100%, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है प्लांट्स की और फ्लावर्स की, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप लोग फोटोज़ वोटोज सारी चीज़ें लेते हुए जाइए। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ऊटी से बोट कर रहे हैं उदगा मंडलम से, तो आप लोग जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ एंट्री साइड होता है, जहाँ से बैठते हैं, वहाँ ना बैठ के आप अपोजिट साइड बैठिए, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यूज़ हैं वो उस साइड आ रहे हैं। कंपैरेटिवली जर्नी है जो टॉय ट्रेन की, आप लोग ज़रूर करिए अगर आप लोग इस साइड आ रहे हैं तो। बाकी अपन कुन्नूर में देखने वाले हैं कि और क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो मेरे साथ। हम लोग अपना पहला पॉइंट आ चुके हैं कुन्नूर में, स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर हम लोग आए होंगे। यहाँ पर सिम्स पार्क है, नोन एज बोटैनिकल गार्डन। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1874 में हुआ था, और ये कुछ 11.5 हेक्टर में फैला हुआ है, और 1200 स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर हैं यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को इसकी टिकट के बारे में बता देता हूँ, तो ये जो यहाँ पर टिकट है वो 40 रुपये की अडल्ट की टिकट है, और बच्चों की टिकट 5 से 10 साल का बच्चा है तो 20 रुपये की टिकट है, और अगर आप लोगों को बोटिंग करनी है तो 25 रुपये है। यहाँ पर नेचुरल लेक है जो बोटिंग के लिए यूज़ होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर ज़रूर आप विज़िट करिए, और ये ज़रूर इंक्लूड करिए आप अपने कुन्नूर की आइटिनरी में। सो गाइस, स्वागत है आपका स्लीपिंग लेडी पॉइंट में। हालांकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरा फॉगी है। अभी यहाँ से यहाँ पर अभी थोड़ा और आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी है, चाहिए चाहिए जो सॉन्ग है दिल से का, उसका वो पॉइंट दिखाएंगे, और वो टनल भी दिखाएंगे जहाँ से वो ट्रेन पास हुई थी ना। स्लीपिंग लेडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये उस शेप में बनाया हुआ है। अगर आप लोग ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जब क्लियर व्यू है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू और फैंटास्टिक पैनोरामिक व्यू दिखने वाला है। और ये जितना भी नीचे बना हुआ है ये पूरा का पूरा टी गार्डन्स है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस, स्वागत है आपका डॉल्फिन नोज पॉइंट में। हम लोग डॉल्फिन नोज पॉइंट के मेन पॉइंट पे खड़े हैं। पीछे हालांकि कुछ विजिबल नहीं है, मगर अगर आप यहाँ से सीधे देखेंगे ना, तो यहाँ से वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल विजिबल है। ये कुछ 6600 फीट की ऊंचाई पे है अबव सी लेवल, और कुछ 12 से 13 किलोमीटर पड़ जाता है कुन्नूर से। और यहाँ पर जो आपको स्लोप में दिखेगा पूरा टी स्टेट दिखेगा, आपको टी प्लांटेशन दिखेगा, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ से ब्रेथ टेकिंग व्यू है नीलगिरी माउंटेन्स का, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी फ़िलहाल तो विजिबल नहीं है, और इसकी जो टिकट है वो 30 रुपये पर पर्सन है। सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चालू रहता है। रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप लोग कुन्नूर से आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल टी स्टेट्स प्लांटेशन सारी चीज़ें रास्ते में देखने मिलेगी, तो आप लोग फ़ोटो वोटो ये सब लेते हुए आ सकते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं चाय के बागान में, और आप देख ही रहे होगे मेरे पीछे पूरी ग्रीनरी है। और अगर आप लोग कुन्नूर आ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे बागान आपको रास्ते में पड़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पर स्टॉप होके आप लोग फ़ोटोज़ ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आती हैं इस ग्रीन लीव्स के बीच में। सो गाइस, स्वागत है आपका लैम्प रॉक में। ये कुछ 6000 फीट की ऊंचाई पे है, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा वैसे ही पॉइंट है। अभी मेरे पीछे ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं है यहाँ से, तो क्योंकि फॉग है यहाँ पर। बाकी यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो मेथोपेटलम जो सिटी है जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है, वहाँ का पूरा व्यू है। वहाँ से जो यहाँ पर आते हैं वहाँ से 3-4 घंटे लगते हैं आने के लिए, और ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोकल गाइड की यहीं पर वीरप्पन रहता था, मगर मुझे पता नहीं है कंफर्म, तो डोंट कोट मी ऑन दिस। और नीचे जो है वो पूरा टी स्टेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसको जो लैम्प रॉक नाम इसलिए दिया गया है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर जो एक मिलिट्री के कैप्टन हुआ करते थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था, उनका नाम कैप्टन लैम्प था, इसलिए इसको लैम्प रॉक नाम दिया हुआ है। और अगर आप लोग क्लियर व्यू के टाइम आएंगे तो काफ़ी पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा आपको पूरा। इसका जो एंट्री टिकट है वो 30 रुपये है, बाकी आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए क्योंकि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, फ्रेश एयर है। हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, वुलन की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, कैप मिलेगा, स्वेटर मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आप लोग यहाँ से, अगर आप लोग ऐसी स्टेट में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ठंड पड़ती है, तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस भी है, आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आप लोग रुक के और लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल बैंड है, तो हम लोगों ने ऐसी प्लास्टिक बॉटल खरीदी 50-50 रुपये की,
तो अगर आप लोग आ रहे हैं अपनी होम टाउन से, तो आप लोग ऐसी बॉटल्स कैरी करो, या तो स्टेनलेस स्टील या तो तांबे की बॉटल कैरी करो, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ बैंड है। तो गाइस लोकल लैंग्वेज और उनके बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से बात करते हैं। हिंदी काफ़ी लोगों को आती है, तो आप लोगों को लैंग्वेज के बैरियर तो नहीं आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश ओके यार। और अगर नेटवर्क की बात कर लेते हैं, तो एयरटेल जियो का अच्छा नेटवर्क है, आप लोगों को नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप लोग मेरे को बताइए कि मैंने कोई जगह छोड़ी है क्या यहाँ पर, अगर वो आप लोगों ने देखी है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे को रिकमेंडेशन भी बताइए कि अगर आप लोगों को कौन सी जगह देखना है, वो भी मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये 3 डे की आइटिनरी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने ऊटी एक्सप्लोर किया, 1 दिन हम लोगों ने कुन्नूर एक्सप्लोर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। बाय बाय।